अब बात कर लेते हैं जीवन में समस्या बार बार क्यों आती है। ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम ध्यान से समझेंगे कि लाइफ में बार बार समस्या क्यों आती है। मेहनत तो हम खूब करते हैं, मेहनत में हमारी कोई कमी नहीं होती है, उसके बाद भी व्यक्ति की लाइफ में फेलियर्स आते हैं, वह बार बार परेशान होता है, उसकी समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। मतलब ये भी कह सकते हैं कि मेहनत तो हर व्यक्ति बहुत करता है, उसके बाद भी उसके साथ वो सिचुएशंस ख़राब हो जाती हैं। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है, मैं बोलना चाहूँगा, मंत्र महेश्वर। अब आप लोग बोलेंगे कि ये मंत्र महेश्वर क्या है, तो मंत्र महेश्वर को जरा ध्यान से समझना। अगर हम मंत्र महेश्वर, हम अभी मंत्र शब्द लेते हैं, महेश्वर हम बाद में लेंगे। जिस प्रकार हिंदू धर्म के हिसाब से हिंदू ग्रंथों में बताया गया है कि हर चीज के लिए अलग अलग देवता हैं। अगर लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए, तो कुबेर जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, ठीक है। उसी जगह पर अगर किसी को विद्या चाहिए तो माँ सरस्वती है, किसी को बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, तो महाकाली हैं, बजरंगबली हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा था। अगर किसी को मर्यादा में रहना है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, छलिया बनना है और चीज़ों को बहुत लीलाएं करना है तो कृष्ण भगवान है। तो जिस प्रकार अलग अलग हमारे कार्य क्षेत्र में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है अधिकारी, फिर उससे छोटा अधिकारी होता है, फिर प्यून होता है, फिर ऑपरेटर होता है, डेटा ऑपरेटर होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, प्लम्बर होता है, कारपेंटर होता है, है ना। हर चीज़ के एक अलग अलग डेस्टिनी, अलग अलग डिसाइड किया गया है कि इस व्यक्ति को यह काम करना है। तो वैसे ही परमात्मा ने भी ऐसे ऐसे विभाग, जिसे हम कहेंगे डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने सबको अलग 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 डिपार्टमेंट दिया कि भाई लक्ष्मी तुम हो तो धन का डिपार्टमेंट तुम संभालो, कुबेर जी आप संभालिए, ज्ञान देने का कार्य है तो भाई गणेश जी बुद्धि दीजिए और माँ सरस्वती ज्ञान दीजिए, शक्ति देना है तो बजरंगबली आप लोगों को पावर दीजिए, कॉन्फिडेंस दीजिए, माँ काली को भी उन्होंने कहा कि सारे डिपार्टमेंट अलग अलग बनाए गए हैं। वैसे ही मंत्र का भी एक डिपार्टमेंट है जिसे हम मंत्र महेश्वर कहते हैं। अब इसे हम थोड़ा तोड़ते हैं। मंत्र, मन और त्र, मन के साथ जो जुड़ जाए उसे हम मंत्र कहते हैं। ऐसा ये नहीं है कि आप जैसे बार बार मंत्र जप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या मंत्र तो है, ओम नमः शिवाय मंत्र है। उसी प्रकार हम मंत्र जप करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव व बंधनानि मृत्युर्मोक्षी यमामृतात्, ये भगवान महामृत्युंजय का मंत्र है। उसी प्रकार हम गणेश जी का मंत्र जप करते हैं, ओम गम गणपते नमः, ऐसा मंत्र जप करते हैं ना, शुक्र का मंत्र होता है। तो सभी देवी देवताओं के अलग अलग मंत्र हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी गहराई में जब आप जाएंगे इसे, मैं देखिए मैं आपको एकदम कॉन्शियस लेवल पे समझाने की कोशिश करूँगा, अगर ये आप समझ गए तो आप देखोगे कि जो मंत्र आप जप कर रहे हो, जो शब्द आप बोल रहे हो, बहुत सोच समझ कर आने वाले समय में आप इन शब्दों का उच्चारण करेंगे, इन शब्दों को आप बोलेंगे। होता क्या है कि मैं जो शब्द कहता हूँ, मंत्र महेश्वर जो मैंने नाम दिया है, मंत्र महेश्वर होता है, जो हम शब्द कहते हैं, एक एक शब्द जो है वह मंत्र है। अब ये कैसे बनता है वो भी थोड़ा सा समझ लेना। हम यहाँ बैठ करके आपस में क्लासेस ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कुछ अच्छी बातों के बारे में, कुछ बुरी बातों के बारे में। अगर मैं यहाँ पर तारीफ करूँ तो होगा क्या, वो सारा का सारा रिकॉर्ड होगा। अगर मैं किसी व्यक्ति की बुराई करूँ वो भी रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियसली एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर एक वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके छोड़ देता हूँ। अब हम उस पूरी क्लास का हमने वॉइस रिकॉर्डर, वॉइस की रिकॉर्डिंग कर ली, होगा क्या, मैं उससे 5 साल बाद सुनूँ, 10 साल बाद सुनूँ, या
15 साल बाद सुनो या 5 महीने बाद सुनो, क्या रिकॉर्डिंग में कोई चेंजेस आएगा? शायद नहीं। अगर मैं किसी व्यक्ति के बारे में तारीफ कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली उसकी तारीफ ही निकलेगी। अगर मैं किसी व्यक्ति के बारे में बुराई कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली क्या निकलेगी उस रिकॉर्डिंग में, क्या होगी? बुराई होगी। सेम चीज़ है, यूनिवर्स भी सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बात चले जाती है। अब कैसे, मान लीजिए मैं बोलूँ कि आज से 2 साल पहले आपने दिवाली में कौन सी ड्रेस पहनी थी, तो शायद आप बोलेंगे कि सर अभी तो हमें याद नहीं है। मगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा आप शांति से बैठ जाएं और बैठ जाएं कि आपने दिवाली में कौन सी ड्रेस पहनी थी, आपको इंस्टेंट फट से याद आ जाएगा कि हाँ मैंने दिवाली में इस मोमेंट में इस तरीके की यह ड्रेस ली थी। तो ये कहाँ से आया, रिकॉर्डिंग कहाँ थी? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। यही चीज़ होती है कि जब हम किसी व्यक्ति की अगेन एंड अगेन निंदा करते हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में बुरा सोचते हैं, तो वही रिकॉर्डिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, या हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं थोड़ा और एडवांस में हम जाएं तो यूनिवर्स में सारी की सारी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी वहाँ पर है। अब जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, जो बड़े बड़े संत मुनि महात्मा हुए, उन सब की एनर्जी जो है वो यूनिवर्स में ट्रैवल कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति चला गया, या कोई संत है बहुत बड़े संत हुए, या हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं साईं बाबा को। साईं बाबा इस दुनिया में आए, उनका शरीर 5 तत्वों का था, वो मिट्टी में मिल गया, मगर उनकी जो पावर है, उनकी जो एनर्जीज है, उनकी जो ब्लेसिंग है, वो इस दुनिया में है ना कहीं ना कहीं। उसी जगह पे हम गौतम बुद्ध को ले लेते हैं, गौतम बुद्ध ने भी 5 तत्वों का शरीर धारण किया और वो मिट्टी में चला गया, मिल गया। बट गौतम बुद्ध की जो पावर्स थी, गौतम बुद्ध की जो एनर्जी थी, गौतम बुद्ध की जो ज्ञान था, वो इस यूनिवर्स में है ना। अब उसी जगह पे जब हम मेडिटेट करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो यूनिवर्स से हम उस एनर्जी को एक करते हैं। अब देखो आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है या व्यापार करना चाहता है या कुछ भी लाइफ में कुछ अच्छा बनना चाहता है, तो आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, बाहर से आते हैं कि अंदर से आते हैं? सोचिए थोड़ा, आइडियाज़ जो हैं वो अंदर से ही आते हैं। अगर आपको, मान लीजिए एक कारपेंटर है, आपने एक कारपेंटर को कहा कि भाई साहब ये इस तरीके का हमें डिज़ाइन बनाना है, आप बना दीजिए, तो वो देखता है और आइडिया लगाता है कि इसे मैं किस तरीके से जल्दी बना दूँ। उसी जगह पे जब हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, घर का एक ब्लूप्रिंट बनवाते हैं। ब्लूप्रिंट क्या है, ब्लूप्रिंट यह होता है कि हम घर का एक नक्शा बनवाते हैं, ड्राइंग बनवाते हैं, किचन यहाँ होगा, टॉयलेट यहाँ होगा। हम प्रॉपर क्या करते हैं, पहले उसका एक ड्राइंग तैयार करते हैं, या फिर आजकल के डेट में तो 3D हो गया है कि सब कुछ आपको सिस्टम में दिखा देगा कि इस कलर का आपका वॉल होगा, इस तरीके का आपका टॉयलेट का डिज़ाइन होगा, इस तरीके की आपकी फॉल सीलिंग होगी, इस तरीके का हम फर्नीचर रखेंगे। तो हम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, 3D की जो डिज़ाइन आ रही है आजकल, 4D 3D जो भी है, हाँ जी हाँ जो भी है 4D 3D जो भी आ रही है, तो वो क्या करते हैं, हम पहले उसको पूरा प्रॉपर देख लेते हैं, फिर हम कहते हैं ना कि ठीक है ओके कर देते हैं। तो उसी तरीके से जब हम कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं तो बिल्डर्स अपना काम करता है, फर्नीचर वाला अपना काम करता है, लाइटिंग वाला अपना काम करता है, तो सारे के सारे लोग अपना अपना काम करते हैं। तो ओवरऑल हुआ क्या, आइडिया कहाँ से आया, हमारे अंदर से। और हम कहाँ खोज रहे हैं आइडियाज़ को, हम कहाँ खोज रहे हैं, बाहर, ठीक है। तो जब हम आइडियाज़ को बाहर खोजेंगे तो कभी भी आपको कोई ऐसा आइडिया नहीं आएगा कि आप अपनी लाइफ में अच्छे बन जाएं। उसी प्रकार जब आप बार 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 किसी चीज़ को नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है, जिस चीज़ को आप बार 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 नेगेटिव सोचते हैं वह मैनिफेस्टेशन में चला जाता है, मतलब वो मटेरियलाइजेशन में आ जाता है, वह आपको चीज़ें ला करके देना चालू कर देता है। अब वो कैसे देता है, आप लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी का एक लाइन सुना होगा कि जैसा आप सोचते हैं आप एक दिन वैसा बन जाते हैं। अगर एक बच्चा बचपन से यह सोच रहा है कि मैं बड़ा होकर एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होकर एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा, और उसके मम्मी पापा भी उसे पीछे से
सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छी बात है, आप बड़े होकर के एक अच्छे डॉक्टर बनोगे, हम आपका पूरा सपोर्ट करते हैं। धीरे 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 आप देखोगे कि उस बच्चे को अगर बार 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 मोटिवेट किया जाए कि बिल्कुल आप डॉक्टर बनोगे, आप बहुत अच्छे हो, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, तो बच्चा क्या सोच रहा है कि मैं बड़ा होकर के एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा। तो धीरे धीरे होता क्या है, बच्चा अंदर से मोटिवेट होता चला जाता है और वो सोच क्या रहा है कि मुझे बड़ा होकर के डॉक्टर बनना है, और फाइनली वो क्या बनता है, डॉक्टर बनता है। उसी प्रकार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो ये सोचते हैं कि बड़ा होकर के मुझे ये बनना है, मगर मुझे वो चीज़ें नहीं मिल पाई। तो क्यों नहीं मिल पाई, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। विचार जो है एक तत्व है, अगर आपके मन में एक विचार आया तो वो यूनिवर्स के साथ आप एक कनेक्ट हो जाते हो। होता क्या है कि कुछ दिनों तक हम उस विचार में रहते हैं, उसके बाद हम उस विचार को स्किप करके दूसरे विचार में चले जाते हैं। तो जब ये होता है कि आप वेट नहीं किए, आप इंतज़ार नहीं किए, और जब आप इंतज़ार नहीं करते हैं तो ऐसा होता है कि वह आपको नहीं मिलता है। इसके लिए हम कहते हैं दृढ़ संकल्प होना। संकल्प तो सभी ले लेते हैं कि मुझे ये करना है, मगर दृढ़ संकल्प जो लेता है उसे चीज़ें अच्छी मिलती हैं। बात समझ में आ रही है, उन्हें चीज़ें अच्छी मिलती हैं। दृढ़ संकल्प कैसे लेना है उस पर भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस पावर है वो हमेशा 200% होना चाहिए। 100% मतलब 100% तो कभी नहीं होना चाहिए। हमको क्या बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 100% से तो ज़्यादा होता ही नहीं है, ठीक है। तो 100% से ज़्यादा होता नहीं है, ये किसने बनाया, हमने बनाया, हम ही ने क्रिएट किया। हमारे जैसे जो बड़े लोग हुए उन्होंने क्रिएट किया कि 100% से ज़्यादा होता नहीं है, मगर आपने उसे तोड़ दिया। जो 100% का जो पैटर्न है इसे अगर आप तोड़ देंगे, मुझे जो काम करना है वो 200% करना है, होगा क्या, आप देखोगे कि आप अगर कम से कम भी काम करोगे, मान लीजिए अभी जो आप काम करते हो 100%, इस काम में आपको रिजल्ट्स मिलते हैं 70%, 40%, 50%। अगर आपने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे 200% काम करना है, उसका आप हाफ करके देखो, अगर आपको 50% रिजल्ट्स भी आ रहा है तो आपको कितने परसेंट मिले, 100 तो मिल गए। अगर आप में उसमें से 65% भी आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं तो 135% आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है, यही है 200% का कॉन्सेप्ट। और दृढ़ संकल्प कैसे लेना है वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि दृढ़ संकल्प हम कैसे ले सकते हैं। और वो दृढ़ संकल्प अगर आप ले रहे हो तो आपको 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने में आप देखोगे कि जिस डेस्टिनी पे आप जाना चाहते हो, जिस जगह पर आप पहुँचना चाहते हो, वो आपको धीरे धीरे मिलना चालू हो जाएगी। उसी प्रकार विचार जो होते हैं वह एक तत्व है, जैसे कि हम कहते हैं ना 5 एलिमेंट्स है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश एक तत्व है, तो विचार भी एक तत्व है। जिस चेयर पे आप बैठे हो वो कहाँ से बनी, वो विचारों से ही तो बनी है। ऐसा तो है नहीं कि पहले चेयर बनी उसके बाद किसी ने विचार किया। अब रेडियो को देख लो, किसी के मन में एक विचार आया होगा कि ऐसी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनना चाहिए जो वायरलेस हो, जो वायर के बिना चले, तो वो विचार एक तत्व था। अब एक बहुत बड़ी 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 बिल्डिंग्स आप देख लो, पहले क्या होता था, सिंगल माले की, 2 माले की बिल्डिंग होती थी, मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। आज देख लो 50-50 माले की बिल्डिंग बन रही है, तो वो कहीं ना कहीं विचार आया। तो जब वो विचार उस व्यक्ति के मन में आया तो वह उस विचार को क्या करेगा, मैनिफेस्टेशन पे लेकर आएगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ब्लूप्रिंट, आपने अपने दिमाग में एक ब्लूप्रिंट बनाया है, और उस ब्लूप्रिंट को जब आप मैनिफेस्टेशन पे लाओगे तो आप देखोगे कि वो चीज़ें अपने आप आपको मिलने लगेगी। इसीलिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, बट मेहनत करने के बाद भी उन्हें रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने उस विचार को छोड़ करके दूसरे विचार में चले जाते हैं। और जब उस विचार को छोड़ करके वो दूसरे विचार में चले जाएंगे तो रिजल्ट्स उन्हें कभी इम्पोर्टेंस के मिलेंगे ही नहीं। ये प्रकृति का नियम है। अगर आपने एक बीज डाला, उस बीज को अगर आप बराबर सींचेंगे, खाद पानी डालेंगे, तो एक समय के बाद वो अंकुरित होगा ही होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने बीज डाला
कुछ दिनों तक वो उगा नहीं और आप मिट्टी हटा करके देख रहे हो कि वो बीज में अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ, तो शायद वो बीज जो होगा वो नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार हम डाउट करते हैं, जहां आपके मन में एक बार डाउट आया, मान लीजिए मामला खत्म हो गया। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि सर हम डाउट तो बिल्कुल भी नहीं करते, उसके बाद भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तब जब मैं उनसे मिलता हूँ, उनकी जब मैं काउंसलिंग करता हूँ, तब मैं उन्हें बताता हूँ कि आपने कॉन्शियस लेवल पे ये चीज़ें बहुत अच्छी सोची, बट सबकॉन्शियसली आप कहीं ना कहीं डरे हुए हो। सबकॉन्शियसली आपने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को नेगेटिव सोचा है। सबकॉन्शियसली आपने कहीं ना कहीं मुंह से अच्छा बोल रहे हो, बट इंटरनली आप उस व्यक्ति के लिए बुरा चाह रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं और उस पर हम एनालिसिस करते हैं, तब आप देखो मंत्र महेश्वर भी काम करेगा, मंत्र की शक्ति भी काम करेगी, और आपके जो विचार तत्व हैं वह भी काम करेंगे, और आपका जो 200% जो मैं अभी बोल रहा हूँ संकल्प कैसे लेना है वह भी मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप वैसा संकल्प लेना चालू कर दिए, थोड़ा सा शरीर को कष्ट होगा, थोड़ा सा मन को कष्ट होगा, मगर वो संकल्प फिर कोई तोड़ नहीं सकता। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक समझ में